मुजफ्फरपुर जिले में बैंक लूट की इस वक्त बड़ी घटना सामने आई है। यह जो मामला है फोर लेन सड़क की है। बताया जाता है कि मुजफ्फरपुर दरभंगा फोर लेन सड़क के अंतर्गत गायघाट में मैठी में एक्सिस बैंक की ब्रांच से लूट की एक बड़ी घटना सामने आई है। करीब 20 लाख रुपए इस लूट की घटना में लुटेरों ने लूट लिए हैं। गार्ड को गोली मारकर इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मुजफ्फरपुर की पुलिस एक्शन में आ गई है। एसएसपी स्वयं मौके पर पहुंचे हैं। इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल स्वयं एसएसपी कर रहे हैं। बताया जाता है कि घटना की सूचना मिलने के बाद ही सीमाई थाना क्षेत्र को अलर्ट कर दिया गया है। सीमा सील कर दी गई है। जांच का अभियान शुरू कर दिया गया है। यहां पर जो जख्मी है सुरक्षा गार्ड उनको मेडिकल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज किया जा रहा है। यहां तमाम बिंदुओं पर इस पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। गायघाट थाना क्षेत्र के मैठी में एक्सिस बैंक से दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने सुरक्षा गार्ड को गोली मारकर 20 लाख रुपए लूट लिए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। इस लूट की सूचना पर एसएसपी सीटीएसपी नीरज कुमार सिंह समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बताया यह जा रहा है कि अचानक हथियारबंद अपराधियों ने बैंक में धावा बोल दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक गोली गार्ड को लगी है। लुटेरे 20 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। गोली लगने के कारण गार्ड की हालत नाजुक बताई जा रही है। इसे इलाज के लिए एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया है। वारदात के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न है। घटना की सूचना मिलते ही फौरन मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन अपने अंदाज में शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे एएसपी अमितेश कुमार ने बताया कि बैंक में कैश का मिलान हो रहा है। मिलान होने के बाद ही लूट की रकम का खुलासा हो सकेगा। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगालने में जुटी हुई है। बैंक कर्मी सुनील कुमार भी जख्मी हो गए हैं। गार्ड मिठू कुमार को भी इलाज के लिए एसकेएमसीएच भर्ती कराया गया है। एसएसपी जयंत कांत कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। लूट का रकम कितना था यह मिलान किया जा रहा है। मौके पर थाना अध्यक्ष राजेंद्र शाह भी पहुंचे। इधर लूट की सूचना पर गायघाट एवं बेनीवाद में सक्रिय हुई पुलिस सघन वाहन चेकिंग का अभियान चला रही है। आसपास के थाना क्षेत्र के पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है तथा लगातार वाहन चेकिंग का अभियान शुरू कर दिया गया है।